नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस बार इस चुनाव में कई चीज देखने को मिल रही है जो काफी अलग है। आपको बता दें, कई उठापटक भी देखने को मिले, सीट बंटवारे को लेकर के भी काफी गहमा गहमी हुई। इस बीच आपको बता दें कि एक खबर आई है कि जदयू से आरजेडी ज्वाइन करने वाली रितु जायसवाल, जो मुखिया रह चुकी हैं, उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने की ठानी है और तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, रितु जायसवाल के बारे में जो आपने कहा, रितु जायसवाल बहुत चर्चित मुखिया रही हैं। इसने आप पहले भी देख चुकी हैं, सिंहवासनी पंचायत की मुखिया हैं, एक आईएएस अधिकारी की पत्नी हैं ये रितु जायसवाल। और रितु जायसवाल को टिकट मिला है परिहार विधानसभा क्षेत्र से, आरजेडी ने दिया है। रितु जायसवाल दरअसल जेडीयू में पहले से शामिल थी और टिकट की उम्मीदवार थी, पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। उसके बाद रितु जायसवाल ने जेडीयू छोड़ दिया था और अब जो है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट थमा दिया है। दरअसल टिकट थमाने की वजह भी एक, इसके पीछे जो है एक बड़े नेता की पत्नी का टिकट भी कट गया। स्नेहा, ये भी इस बार मैंने दिलचस्प बात आ रही है सामने। दरअसल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे, उनकी पत्नी को टिकट मिलने जा रहा था इस विधानसभा क्षेत्र से, परिहार विधानसभा क्षेत्र से, पर उनका टिकट काट के रितु जायसवाल को वहां से टिकट थमा दिया गया है। रितु जायसवाल चर्चित रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से रितु जायसवाल सोशल मीडिया में काफी चर्चित रहती हैं और सोशल मीडिया में अपने काम को अक्सर डालती हैं और काम को लेकर वो चर्चा में भी रहती हैं। उन्होंने जो पंचायत, अपना जो उनका पंचायत है सिंहवासनी पंचायत, सीतामढ़ी जिले में यह पड़ता है, सोनबरसा जैसे सुदूर ग्रामीण इलाके में उनका पंचायत है, और उस पंचायत की जो उन्होंने सूरत बदली है, तो निश्चित तौर पर जो है रितु जायसवाल एक चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया ही नहीं, आम लोगों के बीच उनकी पहुंच है, धमक है, और निश्चित तौर पर एक वो चर्चित चेहरा है, लोग उन्हें पहचानते हैं। एक मुखिया के तौर पर उन्होंने जिस तरह की छवि रखी है बिहार के अंदर, वो स्नेहा कम देखने को मिलता है। आप मुखिया की छवि देखी होंगी, और भी राज्यों में, पंजाब से आती हैं तो वहाँ एक मुखिया जो होती है वो जींस और टी शर्ट में भी नजर आती है, पर बिहार में मुखिया की छवि इस तरह से लोग सोच नहीं सकते हैं। पर रितु जायसवाल वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार में मुखिया की छवि को बदल दिया है, तो उन्हें आरजेडी ने टिकट दिया है। अभी हम उनके बारे में और बहुत सारी बात बताना चाहेंगे स्नेहा, कि उनके बारे में क्या खासियत है। वो उन्होंने जब जेडीयू की सदस्यता ली थी तो ये माना जा रहा था कि परिहार से उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन उनका टिकट कट गया था। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन किया था और आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है। उसके बाद अगर ये बताएं उनके बारे में कि 1996 में उनकी शादी हुई थी और वो आईएएस अधिकारी अरुण कुमार, जो पूर्व अधिकारी हो चुके हैं, उनसे उन्होंने शादी की थी। और रितु जायसवाल ने चकाचौंध भरी जिंदगी छोड़कर अपने पति के साथ, पति कोई काफी बड़े पोस्ट पर कई जगहों पर रह चुके हैं, पर रितु जायसवाल ने अपने गांव की और सिंहवासनी पंचायत की सेवा करना ज्यादा बेहतर समझा। वो परिवार को छोड़कर अपने गांव में रही और गांव के अंदर उन्होंने जो काम करके दिखाया, आप अक्सर सोशल मीडिया में देखते होंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने काम कर, उनके पंचायत में जाएंगे तो बिजली, पानी, सड़क, इन सब बातों का आप मतलब जो वहां पर दिखेगा कि वहां विकास दिखेगा सिंहवासनी पंचायत में, तो ये एक बड़ी बात है। और आरजेडी से जब उन्हें टिकट मिला है तो निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है, और अब परिहार पंचायत की, परिहार विधानसभा क्षेत्र से रितु जायसवाल अगली विधायक हो सकती हैं। स्नेहा, बिल्कुल, तो जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में मुखिया रहते हुए काम किया, तो ये काबिले तारीफ थी, जिस कारण से आपको बता दें जदयू ने उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। हालांकि रितु जायसवाल ने इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जताई, तो कहीं ना कहीं जेडीयू से टिकट नहीं मिला, वो आरजेडी ज्वाइन की और तेजस्वी यादव ने इस इच्छा पर मुहर लगा दी और उन्हें टिकट दे दिया है। और अब रितु जायसवाल जन सेवा की तरफ बढ़ी हैं, पहले भी उन्होंने किया है, परिहार विधानसभा क्षेत्र से वो इस बार उतर रही है चुनावी मैदान में, ऐसे में देखा जाए तो अपने क्षेत्र का विकास वो निश्चित करेंगी और जनता कुछ भी। और थोड़ी सी बातें हैं जो हम उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जो 2019 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था, उसमें बिहार के 3 पंचायतों को शामिल किया गया था, उसमें रितु जायसवाल का जो यह सिंहवासनी पंचायत है वो भी शामिल था, तो उन्होंने वो जीत चुकी हैं वो। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान फ्लेम लीडरशिप अवार्ड 2016 में वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों तो सम्मानित हो चुकी हैं, तो रितु जायसवाल ने अपने पंचायत का, अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर जो आरजेडी ने उन्हें टिकट देकर एक, ये एक अच्छा काम किया है, उनके काम को
सलाम किया। और सबसे बड़ी बात जो इसने आपने बताई थी कि एक जो आरजेडी के कद्दावर नेता की पत्नी का टिकट काट कर उन्हें टिकट दिया गया है, तो आरजेडी ने ये बड़ा कदम उठाया है। तेजस्वी यादव ने जो युवाओं को आगे रखने आगे रखने की जो कवायद वो कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा कदम इसने है, ये माना जा सकता है। बिल्कुल। तो ऋतु जायसवाल को आरजेडी से टिकट मिल चुका है, इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है और जनता का प्यार उन्हें मिलना संभव लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम की है मुखिया रहते हुए, ऐसे में उनका काम काफी सराहनीय है और इस बार जनता ऋतु जायसवाल को सपोर्ट भी करेंगी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।